ये बहन के खाली गालियां दिए तो इस पर ये कर दिया। उधर उधर बैठ बोल ना बेटा, गालियां दिए तो ये कर रही है। अब अरे ठंडी लग जाएगा, पानी ज्यादा मत डालो। अगर एक बाप के लड़े पैदा हुए तो आना था सामने। मैं उनके पास कैसा कर रहा मालूम है, कैसा कर कैसा लड़ना कैसा मालूम है, मालूम है चलने वाले चलने वाले तो सामने हमारे तकलीफ नहीं है, किसी जाके देखो सांपों में सो रहे कहते बेचारे, समझे घर वाले खाली बेचारे कुछ भी नहीं, खाना नहीं है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जितके बात नहीं है, लड़ने का बात है, लड़ो मैं नको बोल के बोल रहे, आप रात में नको बोले पेशेंट लोग क्या बोल रहे, तेरे जाना है तो तू बोल रहे, मेरे को मालूम है आप कितना हम दर शुभ लोगों के वास्ते लड़ रहे हैं, आप अकेले वास्ते लड़ रहे हैं, शुभ लोगों के वास्ते लड़ रहे हैं, शुभ लोगों को मालूम है एक बात, एक आदमी बोले तो नहीं देते, आप मेरे वास्ते लड़ रहे हैं, रात में आप जिद में आ गए, आपको कुछ भी नहीं साहब, मेरे को देखो ये आपको नया तो भी नहीं फर्क पड़ते, आप भगवान जो आला जो अच्छा है आप सब लोग आप आराम से रह सकते, आप नए जो तो भी नहीं सकते, लड़ रहे बोलते सबको मालूम है, अगर आप तरीके से करना फिर आप सामने आके कई को डाल लिया रशीद भाई, क्या कहते ना मेरे को मुसीबत है भाई, मेरा घर तोड़े नहीं दिया अभी तक, नहीं दिए हर साल 5 साल हो गया, अब तक 2 दिन से देते देते बोल के ऐसा धोखे में रखे, जाके हमको भी नहीं आया, हमको भी नहीं आया, बोले कार्यकर्ता इन इसके, अब क्या हो गया बोले तो अंदर अंदर जाके एक एक जना तीन तीन चार चार ले लिया, आज गए तो वहां कुछ भी नहीं है हमारे को मिलने के वास्ते, हमारा घर मेन रोड पे था। अच्छा क्या बोल रहे हो, शाम में देखेंगे देंगे देंगे, अब नहीं तो 15 दिन के बाद क्या होता, पूरे को ठंडा हो जाता, पहले क्या बोले 38 दो दिन 38 है बोल के बोले 38 घर बोले अपने 38 घर आए बोले, पहले 38 घरों में से जाके अब क्या बोल रहे कल तक 7 है बोले, 7 में हम तुम लोगों को अरेंज करते है बोले, अब वो 7 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, गए बात कुछ भी नहीं है बोल रही है, कार्यकर्ता जितने भी है सब झूठे है, खाली गालियां दिए सो उसको कंप्लेंट दे दिए मेरे पे, मार तुम बोल रहा है ना खत्म कर दे तुम बोल रहा बोल के कुत्ते गानू बन के रहे तो फिर कई को आना शाम में एमएलए से साइन करे उससे गानू आ रहे तो कई को करना था ये सब, फिर
कमेटी वाले क्या बोल रहे हैं आपको? कमेटी कौन सी कमेटी है बोल के पूछेंगे साहब? यहाँ कमेटी नहीं है, सोप जेब गरम करने की कमेटी है, यहाँ कोई भी नहीं है। सोप खाए सो है यहाँ पे पैसे, एक एक जनों को चार चार पट्टे आए, जिसका के जुनू है ही नहीं, पट्टा बना लिया हाल हाल में तो उसको भी पट्टा आ गया। यहाँ 20-25 साल से गांड मरा रहे, हमारे को पट्टा ही नहीं है यहाँ। हाई हुकूमत है समझ में नहीं आ रहा है केसीआर साहब की। सोप चोर मार्केट जमा हो गए यहाँ, ये चीज पे केसीआर साहब जल्द से जल्द अगर एक्शन लेना या नहीं बोले तो अभी एक तीन चार जने मरते यहाँ यही हालत पे। कहते तो हमारी जगह पे हम डाल लेते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना, हमारी जो जगह है वहां पे डाल लेते हम घर। एमएलए साहब से मिले आप जाके? मिले, एमएलए साहब आज लेटर दिए, बोले कोई भी खाली नहीं कर सकता साहब घर, अब आपको देके मैं कैसा खींचू आपके कहने से। क्या बोल रहे एमएलए साहब? क्या बोल रहे एमएलए साहब? बोले के मैं लेटर दिया 4-5 दिन में होता, बोले अब इनके जो कार्यकर्ता है 10 दिन भी होते, 15 दिन भी होते, 1 महीना भी होता। एमएलए साहब क्या बोले? 4-5 दिन में तुम्हारे अरेंज करता हूँ बोल के बोले सयाना। तो ठीक है बोले, फिर यहाँ आके इन लोग आरडीओ के ने जाके आने के बाद क्या क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तुम लोग 4 घर खाली है बोले, उसमें अरेंज करते बोले ना मेरे को बोल के पूछा तो नहीं नहीं वो नहीं कर सकते हम, जो भी है एमएलए के हाथ में है, एमएलए भी नहीं करना बोल दिए, वो नहीं होता बोल के बोले। वो नहीं होता बोलने की सूरत पे क्या करे, इन लोग पूछा अब है बोले ना, नहीं नहीं पूरे चले गए बोल रहे घर। अब किसको जाके सुनाना हमारी तकलीफ? यहाँ खाने को खाना नहीं है, सवाल ये भी है बेचारे गरीब। किराया साहब से और केसीआर साहब से बड़ी जल्द से जल्द हमारे को गुजारिश है कि हमारा कुछ ना कुछ हल करे।